होगा क्योंकि सबसे सिक्योर मानी जाती कोई ये कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी बात है। अभी लिस्टें आना शुरू हुई है, सब लिस्टें आ जाएगी, सब सामने आ जाएगी, बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी। किस तरह देखते हैं जो पहली सूची जारी? अच्छी लिस्ट आई है, कांग्रेस की लिस्ट अच्छी है, और ये मानकर चलना अधिकतर नाम वही है जो पहले से थे। तो कांग्रेस तो आप ये मानकर चलना इस बार सरकार रिपीट करेगी, कांग्रेस का काम बोल रहा है, कांग्रेस के प्रति लोगों की भावना है, आप ये मानकर चलना। जब जनता की भावना आप पार्टी के फेवर में हो तो ये मानकर चलना जीत कांग्रेस की है। प्रताप सिंह खाचरियावास जी का जो सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र है वहां से टिकट कब तक घोषित कर देगी पार्टी आखिर? ये मुझे घोषित नहीं करनी है, पार्टी को घोषणा करनी है, ये मेरी नॉलेज में नहीं है कब कहां से कौन सा टिकट घोषित होगा। ये तो आप, लेकिन ये तो होते रहते, मैं इस बात की कभी परवाह नहीं करता कब कौन सा टिकट घोषित होगा। हर आदमी को अपना अपना काम करना चाहिए, ये पार्टी नेतृत्व का काम है कब कौन सी टिकट घोषित करेंगे उनको फैसला करना। तैयारी तो कर ही रहे हैं आप पूरी? मैं तो रोज तैयारी में ही रहता हूँ यार, बट मैं हूँ ही सड़क पर आके। प्रताप जी, कांग्रेस की सूची के साथ ही बीजेपी की दूसरी सूची जारी होगी, 80 से ज्यादा नामों का ऐलान किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी जगह है, नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष, इनको भी जगह मिली है। नो डाउट, ये भी इनके पहले इनकी एक लिस्ट आ चुकी है, अब दूसरी लिस्ट में तो ये सब नाम आने ही थे, अब दूसरी लिस्ट में ये नाम आ गए। और ये इन्होंने बीजेपी ने कुछ जगह पाप किया, इन्होंने जैसे अशोक लाहोटी का टिकट काट दिया, अब हो सकता है अशोक लाहोटी को कहीं और से दे दे। इन्होंने कुछ जगहों पर गलत किया, क्योंकि ये यंग लोगों के टिकट काटना ठीक नहीं है, ये मेरा मानना है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को झालरापाटन से लड़ाया जा रहा है, तारानगर से राजेंद्र राठौड़ जी को लड़ाया जा रहा है। अब ये लोग अपनी अपनी सीटों से लड़ रहे हैं, अब इनका डिक्लेयर हुआ है, और ये लोग झालरापाटन से वसुंधरा जी तो लगातार जीत रही है, लेकिन कांग्रेस भी चुनौती देने के लिए पूरी तैयारी है। कांग्रेस हमारा पार्टी नेतृत्व तो देख रहा है, ऐसे उम्मीदवार लड़ाएंगे जो टक्कर दे सके। उम्मीद क्या करें, कब तक दूसरी सूची जारी हो जाएगी कांग्रेस की? वो तो अब लगातार सूचियां ही आएगी दोनों पार्टियों, अब सूचियां आऊ के, क्योंकि 30 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएगा, अब सूची आना शुरू होगी, पूरी तैयारी है कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी, मेरा ये मानना है, तो जल्दी आ जाएगी।